हमारे कानून की बात पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेंटेनेंस से बचना है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ना कि स्किप करें। दोस्तों, अगर आपको ये लगे कि आपकी पत्नी और आपके बीच रिश्ता कटास में पड़ता जा रहा है, आपके बीच और पत्नी के बीच अब रिश्ता बनने के कगार पे नहीं है, लेकिन आप उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं लेकिन पत्नी की वजह से वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करोगे? जब आप परेशान हो जाते हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर भी आपकी पत्नी नहीं आती है और आपको यह डर है कि पत्नी केस कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने वंशज को चलाने के लिए आप चाहते हैं कि मैं उनसे तलाक ले लूं। जब आप सेक्शन 13 में तलाक का केस फाइल कर देते हैं, फाइल करने के बाद तुरंत आपकी पत्नी सेक्शन 24 का केस ला देती है। अब सेक्शन 24 होता क्या है? जैसे ही आपने सेक्शन 13 का केस किया, पत्नी सेक्शन 24 का केस ला देती है, तो सेक्शन 24 क्या होता है? सेक्शन 24 ये होता है कि पत्नी ये कहती है कि मेरे पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, मैं केस लड़ने के लायक नहीं हूं, मैं केस में पैसे खर्च नहीं कर सकती, तो मुझे सेक्शन 24 से एक मुफ्त पैसे दिलाए जाए, आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा मुझे दिलाए जाए। यह होता है सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 में जब यह बात आती है तो लड़का यह कहता है अपने पिटीशन में कि यह लिखकर आता है कि ये एमपिल है, ग्रेजुएट है, ये कमाने लायक है, ये सारी कुछ है, तो इसे मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, आने जाने का खर्चा क्यों दूं। ये बात भी सही है, लेकिन जब ये कोर्ट में ये मैटर चलता है तो कोर्ट दोनों तरफ से देखते हैं। पत्नी ये कहते हुए आती है कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास आने जाने का खर्चा नहीं है, मैं केस किस तरह से लड़ सकती हूं। लेकिन जब पत्नी ये कह के आती है, तब एक चीज लड़के के पास ऐसी हाथ लग जाती है जिससे वो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि वो जॉब करती है, वो वहां पेश कर दिया जाता है। तो जब जज के सामने सारी चीज आ जाती है तो जज उसे देखता है, दोनों की बात सुनता है, सुनने के बाद उसका सेक्शन 24 का प्रार्थना पत्र डिसमिस कर दिया जाता है। और ये कहते हुए डिसमिस कर दिया जाता है कि ये आप एमपिल है, पीएचडी है, आप कमाने लायक हो, तो आप चॉइस लेने के हकदार नहीं है। जब वो महिला का वो डिसमिस हो जाता है, डिसमिस होने के बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट जाने के बाद वो वहां ये कहती है कि मैं को मुझे एक साथ 1 लाख या 2 लाख मेंटेनेंस का दिलाया जाए जिससे मैं अपना केस, संपूर्ण केस लड़ सकूं। लेकिन जब वो बात वहां तक पहुंचती है, वो जो डिसमिस हुआ ऑर्डर वहां तक चैलेंज करती है, तो वहां भी यही बात हो जाती है। जब हाईकोर्ट के जजेस देखते हैं, जब सुनवाई होती है कि आप मेंटेनेंस क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप पीएचडी हो, आप कमा सकती हो, आपका ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें आप एमपी जो सांसद होता है वहां पर आप कार्यालय में काम करते हो, तो आप सेक्शन 24 कैसे ले सकते हो। ये सारी चीजें देखते हुए जब सारी चीजें हो जाती है, तो उसके बाद में जब फैसला आता है तो वहां भी उसकी जो अपील है वो भी डिसमिस हो जाती है। लेकिन दोस्तों, डिसमिस होना नहीं है, ये भी कहा जाता है कि लड़का ही नहीं, लड़की नहीं, लड़का भी अगर महिला पढ़ी लिखी है वो ऐसा करती है तो लड़का भी सेक्शन 24 का केस कर सकता है, वो भी मेंटेनेंस ले सकता है। इसलिए दोस्तों, आपके भी एसआई से मैटर है, एसआई सारी चीजें हैं, तो आपके पास ऐसे सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए जिससे आपका मेंटेनेंस खारिज करा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे तलाक ले रही है तो आप सेक्शन 24 का भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे लीगल अपडेट चाहते हैं तो बिल्कुल इस पेज को फॉलो करें, इस चैनल को फॉलो करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।